नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पांच के प्राइम टाइम में। कुतुब मीनार को लेकर संग्राम। जी हां, पहले ताजमहल के नाम को बदलने की मांग उठी और अब उसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम को लेकर, बदलने को लेकर कई तरीके के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरअसल आज हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार के बाहर प्रदर्शन किया है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि कुतुब मीनार के नाम को बदला जाए। प्रदर्शन करने वाले लोगों की मांग है कि कुतुब मीनार के नाम को बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्यों ने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है और कहा है कि कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों का कहना है कि मीनार का निर्माण जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था और इस प्रदर्शन के बाद अब एक नया विवाद जन्म लेता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ताजमहल के 22 दरवाजों को खोलने की मांग उठी थी और नया विवाद शुरू हुआ, वैसा ही विवाद अब कुतुब मीनार को लेकर खड़ा होता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि हिंदूवादी संगठनों की बातों में कितनी सच्चाई है, आखिर ऐसे दावों के पीछे क्या सच्चाई है। कुतुब मीनार को जो बोलते हैं ये विष्णु मीनार के नाम से, विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली तो कहीं ना कहीं उस सनातन की जो वो थी वो सबको तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं मैनुपलेट करा गया है। ये साक्ष्य राम मंदिर पे भी मिला, ये साक्ष्य बनारस में भी मिला, ये साक्ष्य जितने भी पुरानी इमारतें हैं उनको साथ छेड़छाड़ करके मुगल कालीन जो भी शासक रहे उन्होंने जो है सनातन की जो भी इमारतें थी, जो भी हमारे मंदिर थे, जो भी हमारे मठ थे, सबको बदला गया। हमारी डिमांड है ये विष्णु सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा और मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के, उसका नाम तेल हटा के हम अपना नाम तेल जो पहले था आदिकाल में वही नाम हम रखना चाहते हैं। तो कुतुब पर संग्राम लगातार जारी है, पहले ताजमहल और अब कुतुब मीनार। ऐसा कहा जा रहा है विष्णु स्तंभ असली नाम है और नाम बदलने की लगातार मांगे उठ रही हैं। फिलहाल कई तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जोड़ रहा है हिंदू धर्म गुरु महंत परमहंस दास हमारे साथ जोड़ रहे हैं, इतिहास मामलों के जानकार विवेक मिश्रा जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख मैं सुनील जी आपका ही करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया और असल में इसका नाम विष्णु स्तंभ था। कोमल, जिस तरीके से आंदोलन इस देश में हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस विचारधारा की सरकार देश में और प्रदेश में है, उसमें उत्तर प्रदेश में भी है, लेकर के कुछ लोगों का था इस बात को लेकर के, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल को लेकर के हो, चाहे बनारस को लेकर के हो, कई बड़े बड़े आंदोलन इन मुद्दों पर हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जब सहयोग नहीं मिलता है, सरकार में जब नहीं सुनी जाती है, तो मुझे लगता है कि इससे जुड़े हुए संगठन हतोत्साहित होते हैं और कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि वो मांगें फिर दोहराई जा रही हैं। लेकिन ये सरकार को बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होते होते कहीं ऐसा नहीं हो कि देश में हर कोने से ऐसी आवाज़ें आने लगें, और जब देश के हर कोने से ऐसी आवाज़ें आएंगी तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होंगी, क्योंकि राजनीति में जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि सारे मुद्दे पीछे छूट जाएं और केवल धर्म के मुद्दे अग्रणी रहें और इन मुद्दों पर लोक जनमानस उलझा रहे, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं इस बात को कोमल कि रास्ते से लोग भटक जाते हैं। ये बिल्कुल आवश्यक है जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिन मुद्दों पर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इतने भी आवश्यक नहीं है कि इस समय देश जिन परिस्थितियों से लेकर के गुजर रहा है, कोरोना काल के बावजूद देश की क्या स्थितियां इस समय है, इकोनॉमी की हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और एक बड़ा जनसमूह, उनसे मैं यही मांग करूंगा, यदि आपके समर्थन की, आपके विचारधारा की सरकारें जिन प्रदेशों में हैं, केंद्र में हैं, उन विचारधाराओं को इनके साथ साथ और सारे मुद्दे हैं जिससे आप सरकार से उम्मीद कर सकते हैं जी। ये मुद्दे ऐसे नहीं है कि बेकार मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर देश के हर एक बड़े शहर से इस तरीके की मुद्दों पर चर्चाएं होने लगेंगी तो जो दूसरा वर्ग है जो इस बात की आरोप लगाता रहा है कहीं ना कहीं हमें दबाया जा रहा है, तो दबाने की भी एक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि हर देश के कोने से आएगी तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि इस देश की राजनीति कहीं ना कहीं करवट लेगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है,
चल लेते हैं। हिंदू धर्म गुरु महंत परम हंसदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम ताजमहल को लेकर बात करें तो 22 दरवाजों को खोलने की मांग की जा रही है फिलहाल। अब अगर हम कुतुब मीनार को लेकर बात कहें तो विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। और अगर इस बात को लेकर हम चर्चा करना चाहें तो क्या कुछ खास जानकारी मिल सकती है? ने आपको गलत नोट करा दिया है, मुझे जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से लोग जानते हैं। और देखिए, जो आक्रांताओं के समय, जब मुगल आक्रांताओं ने भारत में जब अधिक यहाँ आक्रमण किया, उस दौरान में जो हमारे जो है तो पौराणिक और वैदिक ऐतिहासिक स्थल थे, उनके साथ में जो छेड़छाड़ की गई और जो एक विकृत इतिहास बताया गया, तो समय है, जैसा कि अभी महानुभाव अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, इनको ये पता होना चाहिए कि जब जनसंख्या, सुनिए पहले सुनिएगा, आपकी बात मैं सुन चुका हूँ, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है आपका। तो जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तब भी लोग जो है तो विरोध करने लगते हैं, जब एक देश एक कानून की बात आती है तब भी लोग विरोध करने लगते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, देश में तमाम काम हो रहा है, सबके अलग अलग डिपार्ट है, सब हो रहा है। ये आवश्यक है कि जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को जो अतिक्रमण करके तोड़ा गया है उसको पूर्ववत किया जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि वो मुगल की संतान जो है तो वो तो मर मरा के सब चले गए, लेकिन पता नहीं कौन से मुगलों की संतान उन आक्रांताओं के पक्षधर खड़े हो जाते हैं वकालत करने के लिए। अरे, इन लोगों को तो कहना चाहिए कि चाहे वो है विष्णु स्तंभ हो, चाहे तेजो महालय आगरा का हो, अगर इस तरह से अगर लोग मान के बैठ जाते जैसा ये बोल रहे हैं, 500 वर्षों में बहुसंख्यक समाज ने लड़ाई लड़ा है तब जाकर के अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है। नहीं, इन जैसे दलील देने वाले लोग उसको बाबरी मस्जिद कहते थे। अगर हिंदू समाज ऐसे सो गया होता ना तो बाबरी मस्जिद होती, वहां राम मंदिर ना बन पाता। इसलिए 40,000 से ज्यादा मुगलों ने जो महंत जी अभी तक विपरीत दलील किसी ने भी नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा कि इस तरह से कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपकी टिप्पणी ले रही हूँ। नहीं, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी जरूरत नहीं है, इससे जो है तो लोग मुद्दों से भटक जाएंगे। क्यों भटक जाएंगे भाई, क्यों नहीं जरूरत है? अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में आकर के, कोई आक्रांता आकर के जो है यहाँ जो है तो अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ करके ज्ञान बापी मस्जिद बना दे तो क्या और लोग उसी पर मौन बने रहा कि चलो मस्जिद रहने दे इसको? अरे, तमाम देश में मस्जिदें हैं, वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की गई है उसको अगर पूर्ववत किया जा रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे पास इतिहास मामलों के जानकार विवेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, हम अगर इतिहास को उठाकर देखें तो कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया, फिलहाल असल में कहा जाए तो विष्णु स्तंभ ही है, लेकिन कई और भी दलीलें सामने आ रही हैं, लौह स्तंभ या कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, इसको लेकर इतिहास से हम क्या कुछ खास अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? लगता है आपने खुद या किसी ने, जितने यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, किसी ने खुद कुतुब मीनार नहीं देखा? वहां तो ASI का बड़े बड़े उसमें शब्दों में लिखा हुआ प्लेट लगा हुआ है, उसपे कह लीजिए स्टील की प्लेट लगी हुई है कि ये 24 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है। और आप अगर उसके अंदर खुद जाकर के देखेंगे तो आपको जितनी भी वो बनी हुई है उसमें घंटियां बनी नजर आएंगी, आपको फूल बने नजर आएंगे, जितने पत्थर लगे हुए, जितने पिलर लगे हुए, जब आप खुद देखेंगे, ये जो देखी हुई बात है या आप कह रही लोग कह रहे हैं कि भी ये 24, अरे वहां तो ASI का लिखा हुआ रखा है। आपको इतिहास की अगर किताबें मैं बताना चाहूं तो तमाम इतिहासकार हैं, वामपंथियों को छोड़ दीजिए, वो तो इस चीज को बिल्कुल नकार देंगे कि भैया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको 1990 तक की बात बता रहा हूँ, 1990 में रोमिला थापर, एस गोपाल, आप ये मतलब समझ रही, सर्वपल्ली गोपाल जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के बेटे, जिन्होंने अपने कहने को बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने 1990 में चिट्ठी लिखी थी एक, और वो दुनिया जहान के बड़े रिनाउंड जर्नल्स में पब्लिश हुई थी, अच्छे अच्छे अखबारों ने पब्लिश करी कि यहाँ तो पहले कभी, राम मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कभी मंदिर ही नहीं था, राम मंदिर की तो बात छोड़ दीजिए, और ये अयोध्या ही वो नहीं है जहां पे राम पैदा हुए थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था। और उसके बावजूद ये लोग जो है तमाम अदालतों में बतौर गवाह पेश हुए कि नहीं, यहाँ तो कभी राम मंदिर था ही नहीं। उसके बाद में जब एक्सकेवेशन हुई, और एक और आपको बड़े मजे की बात बताता हूं मैं, उससे पहले बीबी लाल जी 1975 से वहां पे एक्सकेवेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे 12 पिलर ऐसे हैं जो कि मंदिर से जुड़े हुए लगते हैं, जिन पे ऐसी आकृतियां हैं जो कि ये भान देती हैं
कि भी यहाँ पे मंदिर था, ये 1975 से एएसआई ने इस सर्वे को वो करा था, कह लीजिए फाइनेंस, जीवाजी ग्वालियर यूनिवर्सिटी ने फाइनेंस करा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस करा था। तो इतने बड़े बड़े इतिहासकार जिसमें सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, एस गोपाल, रोमिला थापर ऐसे, और जेएनयू के आईसीएचआर जो है काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 25 इतिहासकारों ने चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं था। और अब ये जो कुतुब मीनार की अगर बात चल रही है, कुतुब मीनार में तो बाहरी एएसआई का पत्थर लगा हुआ है, दो पत्थर और अभी लगे हाथ में। आपको अगर एएस खान की किताब दिखा दूं, एएस खान एक मुसलमान राइटर है, ये कह रहा है उसने 180,000 हिंदू मारे थे। सोच लीजिए, आप सोच लीजिए जाएगा। देखिए 1950 के दशक में सऊदी अरब के जो है वो किंग भारत आए थे, उनको बनारस लेकर के गए, वो माने नेहरू जी। शर्म की बात है हमारे देश के लिए, आधे से ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे, बनारस के सारे हिंदू मंदिरों को पर्दों से ढक दिया गया था। किसी मंदिर में 3 दिन तक आरती नहीं हुई थी, घंटी नहीं बजी थी, क्योंकि सऊदी अरब के जो है शाहजाद नाराज ना हो जाए, वो मूर्ति पूजा चूंकि नहीं मानते हैं इसलिए। और सारे पे जो है ये मुसलमानों का अल्लाह अकबर वाला जो काला झंडा होता है, सारी इमारतों पे सरकारी खर्चे पे लगा दिया गया था। ये शुरुआत तो नेहरू ने बिल्कुल 1947 से करी, जिसमें कि मैं कहूंगा कि गोविंद वल्लभ पंत जी भी उनके साथ थे। 1947 में ही जब ये देश बटा था, एक एक मेज कुर्सी का हिसाब हुआ था। आप जस्टिस खोसला की किताब पढ़िए, जिन्होंने नाथूराम गोडसे जी के ऊपर अपना डिसीजन दिया था 3 बेंच के जज से, उनकी किताब पढ़िए, एक एक मेज कुर्सी का हिसाब हुआ था जब देश बटा था। तो आप ये किस बात की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके कि भैया हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आपने मंदिर, और ये भी छोड़ दीजिए, इनका ये पुराना वो है, आप अगर बहुत ही इतिहास में जाना चाहेंगे आप, तो मक्का तक तो इनका जो इनकी मस्जिद है, जो इनकी बड़ी पवित्र मस्जिद कहलाती है, वहाँ 360 मूर्तियां थी। कुरान में लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब ने आकर के वो 360 मूर्तियों को अपने डंडे से गिरा दिया, उसके बाद में उस पर जबरन तलवार से कब्जा कर लिया। ये जितनी आप चाहे अहमदाबाद की जामा मस्जिद देख लीजिए, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद देख लीजिए, सब तोड़ तोड़ करके इन्होंने बनाई है। विवेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लास्ट लाइन बात करेंगे, और भी बहुत सारे इतिहास की चीजें जिनको लेकर जानकारी लेना है। फिलहाल सुनील जी, अगर हम बात करें कुतुब मीनार को लेकर, जिस तरह से विवेक जी ने कहा कि पहले से एक वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, जिसको देखकर लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए कि कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, फिर ये मांगे जो उठ रही हैं जायज एक तरह से लग रही हैं। अगर हम इन मांगों को लेकर बात करें, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास कह रहा है, बोर्ड लगे हुए, तो जाहिर सी बात है फिर तो जो भी मांगे उठ रही हैं जायज हैं। नहीं कोमल, देखो जो चीजें विवेक जी ने रखी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे, लेकिन आंदोलन करने से पहले हमको और हमारे देश के हर नागरिक को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और ये सब चीजें न्यायालय द्वारा मुझे लगता है कि क्लियर हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के सामने आता है तो देश के लिए ठीक नहीं रहता। दूसरा, पिछला क्या रहा, इससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों ने किन परिस्थितियों में मंदिर तोड़े, किन परिस्थितियों में बदलाव हुआ इस देश में, तमाम मंदिरों में कहें, या जैन मंदिरों की बात करें या गुरुद्वारे की बात करें, वो ठीक है, लेकिन हम किसी को दोषी नहीं ठहराए जा सकते। यदि ऐसी परिस्थिति है, बहुत दिन बाद इस देश में इस हिंदुत्व विचारधारा की सरकार आई है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो 1991 में एक बिल लेकर के आए थे, जो कानून बना हुआ है कि 1947 से पहले अयोध्या को छोड़कर के जितने भी स्थान हैं उन पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तो सबसे पहले तो सरकार का दायित्व है, या सारे लोगों उस सरकार से मांग करें कि पहले तो उस नियम को बदले, उस एक्ट को बदले, तब मुझे लगता है कि न्यायालय कभी कोई देखता है तो संविधान के दायरे में रहकर कई निर्णय देता है, तो संविधान के दायरे में जो ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ मुझे लगता है कि बरसों बरसों सुनवाई रहेगी तो कोई मतलब नहीं है उसका। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि तमाम जन आकांक्षाओं को देखते हुए
एक ऐसी कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर बनाती जाए तो तत्काल उसका एक समय निर्धारित हो और ऐसी कहीं से भी कोई मांग आ रही है उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर लिया जाए और उनकी एक सुनवाई नियत समय में की जाए। अब ऐसे आंदोलन होंगे तो आप समझिए कि समय भी बर्बाद होता है, युवाओं की ऊर्जा भी बर्बाद होती है और एक माहौल बदलता है। एक सबसे अच्छा तरीका ये सरकार के लिए होगा कि एक चाहे रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में या मुझे लगता है कि कोई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेसी उसमें सारे समुदाय के लोग ले लिए जाएं या चारों स्तंभों के लोग ले लिए जाएं, उससे एक कमेटी ऐसी बनाती जाए कि जो भी स्थितियां जिस देश के किसी भी कोने से ऐसी स्थिति आती है तो लगभग एक नोटिफिकेशन जारी हो और एक रखा जाए कि कौन कौन इस पर अपने तथ्यों के सामने कमेटी के सामने रखे और उसमें एक 6 महीने की 1 साल की एक समय सीमा निर्धारित हो जाए कि इसके बीच में कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तो मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती रहेगी जिन वजहों से हमारे देश की चर्चा अन्य देशों में होती है। यदि हमें लोकतंत्र को मजबूत रखना है, भाईचारे को व्यवस्थित रखना है, जिस तरीके से अन्य देशों में आपने देखा होगा, मुस्लिम देशों में देख लो या अमेरिका में जो माहौल खराब हुआ या अड़ोस पड़ोस के देशों में देख लो, यदि ये माहौल हमारे देश में न खराब हो तो ऐसा है कुछ तत्व ये दोनों तरफ होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और हिंदुत्व संगठन से जुड़े हुए जितने भी बड़े संगठन हैं उनका भी ये दायित्व है कि सरकार के समक्ष एक सुनियोजित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से एक ऐसी चीज़ें सरकार के समक्ष रखी जाए, एक मांग ऐसी रखी जाए और उनमें सारे जितने भी ऐसे स्थल हैं उनके नाम खोल दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसानी इस देश के लिए भी रहेगी और भाईचारा इसमें बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर देश के किसी न किसी कोने से ऐसी आवाज़ें उठेंगी तो कुछ लोग ऐसे हैं, राजनीतिक दल भी हैं और कुछ समुदायों में दोनों तरफ से भी ऐसे लोग होते हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ये सारी स्थिति जब आएगी, न्यायालय में सारी बातें रखेंगी, न्यायालय सुनेगा, तो एक बहुत समय लगेगा। और देश के सामने उदाहरण अयोध्या राम मंदिर का है कि कितने वर्षों बाद फैसला आया। तो यदि एक लंबी लड़ाई लड़नी है, माहौल खराब करना है तो एक अलग बात है, यदि ईमानदारी से सारे चीज़ों का यदि आप समाधान चाहते हैं तो एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए यदि उसको सरकार भी व्यवस्थित करे और सारे संगठन के लोग सामने दिल खोल के सामने आए तो जो भी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के जो लगाए रहते हैं, देखो आपने देखा होगा मथुरा में भी कोर्ट में चला गया है प्रकरण, ज्ञान वापी का बनारस में चली रहा है, एक कुतुब मीनार का आ गया, एक आगरा का आपने देखा होगा ताजमहल को लेकर के, ऐसी स्थितियां बनेगी तो मुझे लगता है कि फिर हमारे लिए अच्छी चीजें नहीं रहेगी और भाईचारे की जो हम दुआई देते हैं मेरे ख्याल से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और अब कुतुब मीनार को लेकर ये विवाद लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आगे चलकर जो लड़ाई दंगे हैं उनकी संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ दोनों पक्षों की बात मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। यदि ऐसा है दिक्कत है। अब जैसे विवेक मिश्रा जी कह रहे हैं तो उस कमेटी में मुझे लगता है कुछ इतिहासकार भी रख दिए जाएं, कुछ पत्रकारों के भी हो जाए, कुछ रिटायर्ड जज भी हो जाए, ऐसे कुछ लोगों की एक कमेटी बन जाए जो बिल्कुल सारे तथ्यों को सुने और सुनने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपे और उस पर कार्रवाई के। अब सरकार के पास बचने का कोई तरीका नहीं है कि साहब राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, लोकसभा में बहुमत नहीं है, दोनों जगह बहुमत है, जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां से आप प्रस्ताव पास करा सकते हैं। लेकिन एक माहौल इस देश का न बिगड़े ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और हम सबकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि कुछ ऐसे लोग ऐसे प्रकरणों में फायदा न उठाने का काम नहीं करें। जी विवेक जी, हिंदुत्व जिसके लिए जाना जाता है, मुझे लगता है कि हिंदुत्व की साख बचाए रखना हम लोगों का भी काम है और साधु संतों का भी। चलिए विवेक जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आप अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि भैया संसद में इनके पास पूरा पूर्ण बहुमत है, सब कुछ है, तो ऐसा वो बनाना चाहिए, लेकिन ये जो स्थितियां पैदा हुई है मैं पूर्ण रूप से जो है ना ये दोष कांग्रेसियों को देते हुए ये जो बात करने जा रहा हूँ कि सब चीजें निकल गई, लिसन टू मी 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है कि भैया जो स्टेटस को जिस भी रिलीजियस प्लेस का 1947 से पहले था वो वैसा ही रहेगा, है ना, तो इसलिए ये सरकार बहुत ज्यादा ऐसे करने की उसको बदले, सरकार बदलेगी उसको पहले, सरकार उसको बदले। जब शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चला पा रही सरकार, जब किसानों को धरने से नहीं उठा पा रही सरकार, शाहीन बाग से धरने से नहीं उठा पा रही सरकार, सर्वे नहीं करवा पा रही सरकार ज्ञानवापी इसकी मस्जिद की,
तो सरकार क्या कानून लाएगी ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आगे अगर कोमल जी आप कुछ पूछना चाहें तो विवेक जी, मेरा सवाल आपसे, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल को तेजो महल है, या फिर अब हम विष्णु स्तंभ को लेकर अगर बात करें, क्योंकि इतिहास से कई सारे और भी साक्ष्य मिल रहे हैं लगातार। अगर ताजमहल को लेकर कहा जाए तो उन 22 कमरों का राज जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा जाए कि गौरी श्रृंगार की बात की जा रही है, और अब विष्णु स्तंभ को लेकर बात की जाए, हम एक एक करके छोटे कम शब्दों में इन सभी पर एक टिप्पणी चाहेंगे। जी मैं आपको जो है तीनों के ऊपर एक एक टिप्पणी दे देता हूँ। ज्ञानवापी के ऊपर औरंगजेब का दस्तावेज खुद का मसीरे आलम रखा हुआ है, जिसमें उसने आदेश दिया था कि जाकर के इस मस्जिद को, इसको मंदिर को तोड़ दो, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा, और आज की तारीख में आप भी फोटो चला रहे होंगे, दुनिया जहान में फोटो है, अच्छे खासे जो है स्तंभ वहाँ पे मंदिर के नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है बाकायदा गुंबद लगा करके उन्होंने मस्जिद बना दी। रही ताजमहल की बात, मैं ताजमहल के बारे में आपको बताता हूँ। 1950 के दशक में जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आपके एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, तब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ काम चल रहा था। मेरे को उन अधिकारी महोदय का नाम इस समय एकदम से दिमाग से उतर रहा है। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि इसके नीचे जो है कुछ हिंदू प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। उन्होंने कहा सारी ये काम यहाँ पे रोक दो और अपना मुंह भी बंद करके चुपचाप से निकल लो वहां से। वो तारीख और आज की तारीख ताजमहल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। रही विष्णु स्तंभ की बात, मैंने आपको बता दिया एएसआई का खुद का जो है वहाँ पे प्लेक लगा हुआ है कि भी ये जो है 24 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके बना, और उसके बगल में जो लॉ स्तंभ है दुनिया जानती है वरा अमीर ने बनाया था, जिसपे आज तक जंग नहीं लगी है। 600 AD में वरा अमीर ने वो बनाया था। सिर्फ दो स्तंभ ऐसे पूरी दुनिया में, एक यहाँ पे और एक कर्नाटक में है, जिसमें की जंग नहीं लगी है। तो ये अगर वो इतने बड़े कारीगर थे जो कुतुब मीनार बना सकते थे, तो इसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया उन्होंने लॉ स्तंभ का? या अगर वो इतने बड़े कलाकार थे तो आप जो है दुनिया जहान की, अभी एक छोटा जैसा एग्जांपल मैं आपको तुर्की का देना चाहूंगा। आपने वो 2 साल पहले या 1 साल पहले उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो एक कह लीजिए कि सन 370 या 420 के आसपास कॉन्स्टेंटाइन ने एक चर्च बनाया था, बड़ा खूबसूरत सा चर्च बनाया था। 1450 एडी तक क्रिश्चियन लोग उसको इन मुसलमानों से लड़ करके बचाते रहे, 1450 में हार गए। 1919 में अतातुर्क ने उसको कहा भी ये लड़ाई झगड़े का, जैसे अभी हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मंदिर और मस्जिद के लिए, वो चर्च और मस्जिद का झगड़ा था। अतातुर्क ने कहा इसको जो है म्यूजियम में तब्दील कर दो, ठीक है म्यूजियम में तब्दील हो गया। धीरे धीरे उन्होंने जो है वहां पे सुबह की अजान पढ़नी शुरू करी, और रमजान के टाइम पे जो है वो जो सहरी करते हैं वो करनी शुरू करी, और जो है अभी के जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको सीधा सीधा जो है चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से एक और चर्च को वहां पे उन्होंने जबरदस्ती कब्जाया था। इसराइल में जो है ये जो मस्जिद हरम है उस पर ये लोग लड़ रहे हैं, यहूदियों की मस्जिद थी वो। तो अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे इसका शांतिपूर्वक हल निकलना चाहिए ये वो, देखिए एक बात, मैं टीवी के चैनल पे इस समय कोई मुसलमान मित्र नहीं है, वरना मैं उनके मुंह पे कहना चाहता था, ये बात समझ लीजिए, जहां जहां मुसलमान रहेंगे वहां शांति नहीं रह सकती। 56 देशों में कहीं 635 से पहले मुसलमान नहीं थे, 632 में मोहम्मद साहब की डेथ हुई है और 628 में उन्होंने मक्का को जीता है, उससे पहले कहीं मुसलमान नहीं थे। 56 मुल्क जो है शांति से रहते थे। फाइनल कमेंट लेना होगा सुनील जी, मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जी सर मैं आपके पास आ रही हूँ, सुनील जी का कमेंट लेके मैं आपके पास ही आ रही हूँ 10 सेकंड में। सुनील जी आपका कमेंट, फिर विवेक जी का। कोमल ये नहीं है कि अब तक नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारा धर्म है वो यही सिखाता है कि आपस में भाईचारा कैसे बना रहे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार की भी जिम्मेदारी है हमारे साथ साथ, तो ये सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा, सब लोगों को न्यायालय पे भरोसा करना पड़ेगा। सारी बहुत चीज़ें अपने हाथ में लेने से समाधान नहीं होते हैं उनके, लेकिन हाँ सरकार को ये देखे कि जन आक्रोश ऐसा है कि वो बदलाव लोग चाहते हैं। चलिए बिल्कुल विवेक जी, 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। ये कहना चाहूंगा अगर आपने आज के अखबार पढ़े हो, केरल हाईकोर्ट ने जो है 10 लोगों को काफी लंबी सजा सुनाई है। काहे के लिए सुनाई है? केरल में रहते हैं, आईएसआई की मदद के लिए यहाँ से लोग भेज रहे थे,
ये भारत के मुसलमान है। मैं ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये भाईचारे वाले अगर मुद्दे पर ही फाइनल कमेंट ले ले तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल इस बात पे, और ये हिंदुओं की तरफ से नहीं शुरू हुआ है, जब आपने धीरे 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 प्रोवोक करा है, आपकी 360 के करीब दारुल कजा यानी कि शरिया अदालतें भारत में चल रही हैं, भारत के कानून और संविधान को मुंह चिढ़ाते हुए वो कैसे चल रही हैं? जब ये चलिए वक्त पर पता चल ही जाएगा, फिलहाल साक्ष्य जो रहेंगे उसके आधार पर फैसला आ ही जाएगा। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुतुब पर जो संग्राम लगातार चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद हो या ताजमहल हो या फिर कुतुब मीनार हो, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब जरूरत है जिस तरह से हमारे पत्रकार ने कहा कि एक समिति का गठन हो और मामले को शांति से सुलझाया जाए ताकि किसी भी तरीके का विवाद आगे और भी ज्यादा ना बढ़े, तो वक्त देने की यहां ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।